हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग MPT के बारे में एक टॉपिक देखने वाले हैं। तो जनरली आप सब लोग होंगे वो MPT में जो भी काम करते होंगे उसमें योग टेक्निक है ज़्यादातर यूज़ करते होंगे। तो योग टेक्निक वगैरह में हम कैलिब्रेशन के लिए पाई इंडिकेटर और वेट ब्लॉक वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके साथ ही योग जैसा ही दूसरा कोई भी बैच टाइप इक्विपमेंट है, मान लीजिए, ठीक है, आपने शायद बैच टाइप इक्विपमेंट देखा होगा या स्टेशनरी इक्विपमेंट देखा होगा MPT में। तो ये जो इक्विपमेंट रहते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक जगह पे सेट किए गए होते हैं। जनरली योग यूज़ करते हैं ये काफ़ी पोर्टेबल होता है, आप इसको कहीं भी ले जा पाओगे। पर बैच टाइप इक्विपमेंट है उसमें आप कॉइल टेक्निक वगैरह करते हो, सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक करोगे या फिर हेड शॉट टेक्निक है उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब टेक्निक जो है ये बैच टाइप इक्विपमेंट में पॉसिबल होती है। ये सब आपने लेवल 2 में ये टेक्निक के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो ये सब टेक्निक है, इसमें सिस्टम कैलिब्रेशन करना है, मतलब एक्चुअल में सिस्टम में आपको डिसकन्यूटी वगैरह मिलता है कि नहीं। ओके, ये टेक्निक में चेक करना है आपको, तो उसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ओके, जैसे योग में हमने पाई गेज वगैरह आपने देखा होगा, वैसे ही इसमें कीटोज रिंग का यूज़ होता है। कीटोज रिंग, कई बार कैटोज रिंग या फिर कीटोज रिंग ऐसा आप बोलते हैं, और कई बुक्स में इसको टूल स्टील रिंग भी बोला जाता है, टूल स्टील रिंग। ओके, तो ये जो टूल स्टील रिंग है उसे सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं और इसमें कीटोज रिंग जो है उसका डिज़ाइन वगैरह कैसे होता है, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप MPT लेवल 3 का जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो टाइम पे आपको ये कीटोज रिंग के बारे में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कीटोज रिंग कैसे वर्क करता है, इसका डिज़ाइन वगैरह कैसे है, इसमें आपको सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये वीडियो में हम ये सभी चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मेनली NDT लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। उन्हें पूरा सिलेबस जो है कवर किया है, LPT, RT, UT, PT, MPT सबका सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा लेवल 2 का, राइट। और कुछ कोड और स्टैंडर्ड के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, इसमें इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे करना है वो मैंने बताया है। कुछ NDT प्रैक्टिकल के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे UT में PCN वगैरह आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीटोज रिंग जो है ये कैसे यूज़ करना है और इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है हम देखेंगे। तो देखिए, टूल स्टील रिंग, ओके, और कीटोज रिंग इज अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पीस कॉमनली यूज विथ वेट बैच मैग्नेटिक पार्टिकल इक्विपमेंट। ओके, दो MPT में बैच टाइप का जो सेटअप है इसमें ये यूज़ करते हैं और ये कॉमनली जो है MPT में ये टूल स्टील रिंग यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट पीस है ये। कीटोज रिंग इज इंटेंडेड टू बी अ टोटल सिस्टम चेक ऑफ योर आउटपुट इक्विपमेंट। टोटल सिस्टम चेक मतलब कि पूरा सिस्टम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं वो आपको पता चलेगा। तो आउटपुट जो है वो बराबर इसमें मिलता है, मतलब इसमें अलग अलग डिफेक्ट रहते हैं वो आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब आपका सिस्टम सही है ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, दिस टेस्ट गेज इज सब सरफेस विथ सब सरफेस डिसकन्यूटीज इज एन एक्सीलेंट टूल दैट प्रोवाइड अ क्विक वे टू कन्फर्म योर मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। तो इसमें काफ़ी सारे सब सरफेस डिसकन्यूटी होते हैं, कितने सब सरफेस डिसकन्यूटी जो है ये एक्चुअली हॉल रहते हैं और इसका साइजिंग वगैरह कैसे है आगे हम देखेंगे। ओके, तो ये एक टाइप का एक्सीलेंट टूल है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो मशीन है वो सही से वर्क कर रहा है, इसमें करंट का रिक्वायरमेंट है वो भी सही है। ओके, तो कितना करंट देंगे तो कितना डिसकन्यूटी पकड़ में आएगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये
किटोज रिंग जो है या टूल स्टील रिंग जिसको आप बोलते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हॉल आपको दिख रहा है, राइट, ये अलग अलग हॉल है, ऊपर से देख सकते हैं सबका डेफ जो है वो अलग अलग होता है, राइट। और ये एक स्टैंडर्ड पीस है, मतलब इसका साइजिंग वगैरह है वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये आपका डायामीटर है, ओके, ये डायामीटर 5 इंच का होता है, ये फिक्स है। वैसे ही ये बीच वाला जो है हॉल है, ठीक है, इसका भी 1.25 सेंटीमीटर जो है इसका डायामीटर होता है, ओके, तो सॉरी 1.25 इंच इसका डायामीटर होता है, ओके, तो ये फिक्स है, ये आपका 5 इंच का होगा, और ये जो है ये आपका 1.25 इंच का डायमीटर हो गया, राइट। तो ये फिक्स डायमेंशन है। इसके अलावा इसका जो थिकनेस है वो 0.88 इंच इसका थिकनेस होता है, ओके, 22.2 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये कुछ इसका डायमेंशन है, ये आपको याद रखना है। ये जो हॉल है अलग अलग हमने देखा, उसका डेप्थ कैसा है, तो देखिए पहले तो दिस ब्लॉक इंक्लूड 12 थ्रू हॉल, ओके, ये थ्रू हॉल होते हैं, ये जो हॉल है ये सब, ओके, ये थ्रू आउट हॉल है एट 0.70 इंच डायामीटर, ओके, तो इसका सबका जो डायामीटर है वो फिक्स होता है, ओके, सबका डायामीटर सेम है 0.07 इंच एंड डिस्टेंस ऑफ 0.07, 0.14, 0.210, 0.280, 0.350 ऐसे करके टोटल 12 हॉल है। लास्ट वाला हॉल का जो ऊपर से डेप्थ है वो कितना है 0.840 इंच फ्रॉम दी ओडी सरफेस, राइट। तो ये वाला जो हॉल है आपका सबसे लास्ट है ये, इसका जो ऊपर से ये डायामीटर है, ओके, ये जो डायामीटर है ये आपका 0.840 इंच है, ओके, फ्रॉम ओडी 0.840 इंच, ठीक है। तो पहला वाला हॉल है उसका आप 0.07 इंच है, और उसमें प्लस करते जाइए, +0.07, +0.07 ऐसे करके सभी हॉल का जो है आपको ऊपर से डेप्थ मिल जाएगा। खाली इसका डायामीटर जो है वो 0.07 इंच डायामीटर होता है, वो सेम है सभी हॉल के लिए, राइट। तो इस तरह से इसका डायमेंशन होता है। यहाँ पे और फिगर भी मैंने ऐड किया है, देखिए, ओके, तो टोटल 12 हॉल है इस तरह से। डायामीटर जो है देख सकते हैं सबका डायामीटर है सेम है, ओके, पर डी जो है, ये जो डी है ये ऊपर से डेप्थ है, सरफेस के ऊपर से डेप्थ है, ओके, तो ये जो हॉल है ऊपर से डेप्थ कितना है 0.07, ये वाला जो है इसके लिए 0.14 ऐसे करके, ये लास्ट वाला हॉल है 12 नंबर का, इसका है 0.840, राइट। और टोटल जो है ये इसका टोटल डायामीटर है पूरा रिंग का वो 5 इंच है, और बीच वाला जो हॉल है वो भी थ्रू आउट है, इसका 1.25 इंच इसका डायामीटर है, ओके। सो यहाँ पे किटोज रिंग इज डिजाइन टू बी क्विक ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये कैसे यूज़ करना है ये भी हम बाद में देखते हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस सिस्टम आपको दिखा रहा है। इट मस्ट बी प्रोसेस बाय द कंटिन्यूअस मेथड यूजिंग 1 इंच सेंटीमीटर डायमीटर सेंट्रल कंडक्टर, ओके, तो इसमें इसके साथ आपको एक सेंट्रल कंडक्टर यूज़ करना है, ओके, और ये कॉपर का सेंट्रल कंडक्टर होता है, और इसका जो डायमीटर है सेंट्रल कंडक्टर, ओके, सॉलिड सेंट्रल कंडक्टर होगा, और इसका जो डायमीटर है वो 1 इंच रहेगा, ओके, तो ये जो 1 इंच का आपका कॉपर का कंडक्टर है वो आपको यहाँ पे बीच में इंसर्ट करना होगा, ठीक है, थ्रू आउट ये आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो आपका कॉपर का सेंट्रल कंडक्टर होगा, इस तरह से बार होगा, मतलब राइट सॉलिड बार, तो ये आपको बीच में से इंसर्ट करना है यहाँ से ऐसे, ओके, ये आपका ऐसे इंसर्ट करना है, थ्रू आउट होगा। सो व्हेन प्रॉपरली प्रोसेस इंडिकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सब सरफेस डिस्कन्यूटीज विल बी प्रोड्यूस ऑन द सर्कमफरेंशियल सरफेस ऑफ द रिंग, ओके, तो करना क्या है कि ये जो सेंट्रल कंडक्टर है उसमें से आपको करंट पास करना है, उसमें से करंट पास करोगे तो इसमें आपका जो
की टोज रिंग है उसमें फील्ड जनरेट होगा, और यहाँ पे ये जो सबसे बाहर वाला इंडिकेशन है वहाँ पे एकदम शार्प इंडिकेशन दिखेगा, दूसरा वाला यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा वाला, चौथा, पाँच, छः, सात, ऐसा काफ़ी सारा, आपको टोटल 12 होल है, ठीक है, सबका आपको इंडिकेशन दिखेगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका इंडिकेशन दिखे, राइट, मतलब कि इसमें कई बार 4, 5 या 6, 7 इंडिकेशन दिख सकता है। तो वो करंट के हिसाब से होता है कि आपने कितना इसमें करंट दिया हुआ है, राइट, आपका जो कंडक्टर है कॉपर का उसमें कितना करंट दिया है उसके हिसाब से आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिकेशन होल का दिखेगा, ओके। पर इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ में इंडिकेशन है वैसे वैसे ये फजी दिख रहा है, मतलब ये वाला ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर है, इसका जो डेप्थ है सरफेस से वो 0.07 इंच है, मतलब ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर है, तो इसका इंडिकेशन काफ़ी शार्प है। ये थोड़ा और डेप्थ में है तो इसका थोड़ा सा फजी है, ये और डेप्थ में है तो और फजी है, ये इससे भी ज़्यादा, ये इससे भी ज़्यादा, यहाँ पे है वो इससे भी ज़्यादा फजी इंडिकेशन दिख रहा है, ओके। तो इससे ये भी पता चलता है कि MPT में जैसे जैसे डेप्थ में इंडिकेशन होता है, ज़्यादा डेप्थ में इंडिकेशन होता है तो वो जो इंडिकेशन है आपको फजी दिखते हैं, राइट। जनरली हम HWDC या DC करंट का यूज़ करके डेप्थ में इंडिकेशन है वो पकड़ते हैं, पर उससे क्या होता है कि फजीनेस बढ़ता है, ओके, और इंडिकेशन एकदम क्लियर या शार्प आपको नहीं मिलेंगे। जबकि AC करंट आप यूज़ करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर का या नियर सरफेस इंडिकेशन मिलता है, तो उसमें काफ़ी शार्प इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है, ओके। सो नंबर ऑफ इंडिकेशन प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एम्पियर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिकेटिंग मीडियम, ओके। तो आपने कौन सा मीडियम यूज़ किया है, ओके, फ्लोरोसेंट है या विजिबल है, ओके, और दूसरा नंबर ऑफ इंडिकेशन, ओके, सॉरी फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब कौन सा करंट आपने यूज़ किया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हॉल, नंबर ऑफ हॉल जो है वो कितने दिखेंगे वो पता चलता है, ठीक है, कौन सा करंट दिया है एंड इंडिकेटेड मीडियम कौन सा है। आगे हम मैं आपको दिखाऊंगा कि ये करंट यूज़ करेंगे और ये मीडियम यूज़ करेंगे तो आपको इतना हॉल मिलेगा। द रिजल्ट शुड कन्फर्म द मिनिमम स्टैंडर्ड इन द चार्ट बिलो, मैं आपको एक चार्ट बाद में दिखाता हूँ, पर पहले यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, ये लिखा है, तो इंस्ट्रक्शन टू यूज़ केटोज रिंग। सबसे पहले प्लेस द रिंग ऑन द नॉन फेरोमैग्नेटिक सेंट्रल कंडक्टर, वो सेंट्रल कंडक्टर जो है हमने देखा 1 इंच उसका डायामीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर, ओके। तो ये बीच में आपको ऐसे इंसर्ट करना है और क्लैम द सेंट्रल कंडक्टर बिटवीन हेड एंड टेल स्टो, तो यहाँ पे हेड शॉट टेल स्टो होगा दोनों साइड, वहाँ पे इसको क्लैम कर देना है, ओके। बीच में ये आपका ऐसे आपका सेंट्रल कंडक्टर और रिंग जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें करंट पास करना है। विद द एम्पियरेज सेट टू प्री डिटरमाइन लेवल यूज फॉर एवरी टेस्ट, मैग्नेटाइज द रिंग सर्कुलरी विद द कॉन्टेक्ट शॉट यूजिंग द कंटिन्यूअस मेथड ऑफ पार्टिकल इंस्पेक्शन, ओके। तो एम्पियरेज वगैरह जो भी आप लेते हैं, जितना भी आपका है 500, 800, 1000, वो पहले लेवल जो प्री डिटरमाइंड लेवल है आपका, जो आप एक्चुअल जॉब में यूज़ करने वाले हैं, राइट, तो वो आप उसमें करंट पास करिए और लास्ट में आपको कंटिन्यूअस मेथड इसमें यूज़ करना है, राइट। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस करंट दीजिए और साथ में पार्टिकल भी आप अप्लाई करिए, तो इससे आपको इंडिकेशन कितना मिलता है वो आपको बाद में देखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने फ्लोरोसेंट टेस्टिंग किया है वेट टेक्निक, राइट, तो वो केस में यहाँ पे मान लीजिए 500 एम्पियर आपने दिया तो 3 होल आपको दिखने चाहिए, ओके। 3 होल मतलब कौन कौन सा, पहला जिसका डेप 0.07 इंच है, दूसरा जिसका डेप 0.14 इंच है और तीसरा जिसका डेप 0.21 इंच है सरफेस से, तो ये 3 मिनिमम नंबर ऑफ होल आपको दिखने चाहिए। उससे ज़्यादा दिख रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, ओके, सेंसिटिविटी और अच्छा है, ओके। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग करंट के लिए है, जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ होल जो है वो ज़्यादा दिखने लगेंगे, ठीक है। वैसे ही देखिए विजिबल आप यूज़ करते हैं वेट टेक्निक, तो वो टाइम पे 500 आपने दिया है तो उसमें भी 500 एम्पियर में 3 होल दिखने चाहिए, ओके। जबकि लास्ट में देखिए 3500 है एम्पियर तो उसमें 8 होल दिखने चाहिए। फ्लोरोसेंट का सेंसिटिविटी ऑलवेज अच्छा होता है विजिबल से,
ये हमने देखा है, तो इसमें भी ये कंफर्म होता है। देखिए पुरोशन में 3500 एम्पियर देते हैं, तो वो टाइम पे 9 नंबर का होल भी आपको दिखता है, मतलब उतना ज़्यादा डेप्थ में इंडिकेशन होगा तो भी दिखेगा। जबकि फिजिबल में 8 नंबर का होल ही आपको दिख पाएगा, सेम करंट 3500 एम्पियर। ओके, ड्राई मेथड है, ड्राई पाउडर वगैरह आप यूज़ करते हो तो वो टाइम पे भी यहाँ पे करंट का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। ओके, करंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ होल इतने मिलने चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये जो रीडिंग है, ये सभी डेटा जो है आपको मैग्नाफ्लक्स का वेबसाइट है ना, उधर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये टूल स्टील वगैरह आपको परचेज करना है, किटोज रिंग वगैरह, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये किटोज रिंग का यूज़ करके हम टेस्टिंग करते हैं। और एमपीटी वगैरह का आप एग्ज़ाम देने वाला है लेवल 3 का, तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।